हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं दोस्तों बताऊंगा आप लोगों को रेलवे का न्यू एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि इसका कितना फी है, मतलब फी लगेगा फॉर्म ऑनलाइन करने में, कितना एज, कौन कौन सा सिलेबस है, और इसके बाद मैं कब से इसके बारे में क्लास लूंगा, सारी चीज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करेंगे। चलिए मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो फॉर्म आ रहा है ये रेलवे के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेलवे के द्वारा निकाला गया है। बहुत मतलब 2-3 साल बाद आया है फॉर्म, और अच्छा खासा पोस्ट है, इसमें आप सबको फिलअप कर सकते हैं। और मैं बता दूं इस चैनल पे अब बीए के साथ कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी होंगे। सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि सभी पास इस वीडियो मतलब इस चैनल के बारे में सबको पता चल जाए, ताकि सबका हेल्प हो सके। चलो मैं इस वीडियो में जो बात करने आया था वो बता दूं आप लोगों को। यह जो फॉर्म है, ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं 11,558 है। मतलब एनटीपीसी 2024 में जो अभी फॉर्म आया है इसका पोस्ट के बारे में बात करूं, टोटल कितना है 11,558 पोस्ट है, ठीक है। इसमें बात करूं इसमें ग्रेजुएट लेवल का तो 8,103, अंडर ग्रेजुएट लेवल का 3,445, ठीक है, ध्यान से रखोगे, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, इसे ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 14 तारीख 9वां महीना 2024 14 सितंबर से ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। और जो अंडर ग्रेजुएट है यानी 12 पास आउट है उनके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा 21 तारीख 9वां महीना 2024 से आप लोगों को फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। अब बात करूंगा एग्जामिनेशन फी का, मतलब उसका फी कितना लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फी अगर जनरल है, ठीक है, या तो कैटेगरी आपका जनरल है, या तो ओबीसी है, या तो ईडब्ल्यूएस है, आपको लगेगा 500 रुपये, ठीक है। मैं भी भरूंगा ईडब्ल्यूएस में तो 500 लगेगा, मैं जनरल में आता हूँ, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा एसटी हो, एससी या तो ऑल फीमेल, मतलब जितने भी लड़कियां हैं सभी का लगेगा 250 रुपये। हमको लगता है कि रेलवे में रिफंड की ऑप्शन आता है, ये लोग का तो पूरा रिफंड हो जाएगा, यहाँ पर हमको लगता है 400 रिफंड होगा, हमको लग रहा है, पता नहीं, मैं कमेंट करिएगा उसमें, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख दूंगा ये सही है कि गलत बात है, ठीक है। चलो मैं आगे बात करूंगा एज के बारे में, ठीक है। इसमें एज के बारे में बात करूं तो 18 वर्ष, मतलब आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, और 33 ईयर्स तक का छात्र भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 3 वर्ष प्लस हो सकता है, कैटेगरी वाइज छूट जो मिलता है उसके अनुसार आपको मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये तो सारा फॉर्म के बारे में बता दिया, ठीक है, या फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, कब से कब डेट इसका स्टार्ट हुआ है और कितना फी लगा है। अब बात आती है एग्जाम का, ठीक है, अब बात करें एग्जाम कितना पैटर्न में होगा। आपको याद रखना एग्जाम 2 पैटर्न में होगा, एक होगा CVT 1, एक होगा CVT 2। CVT 1 कहने का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CVT का मतलब क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर होगा, ऑफलाइन एग्जाम मतलब पेपर वाला एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। CVT 1 का सिलेबस देख लो, मैथ का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, टाइमिंग 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन में अगर गलत बनाते तो एक नंबर आपका, एक क्वेश्चन का एक नंबर आपका चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस ये सारा चीज का तैयारी मैं इस चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है, सभी को अब ध्यान में रखिएगा। इसलिए सभी जी जो भी कंपटीशन है सब में सेम ही आ रहा है, जैसे कि अभी बिहार दरोगा हो गया, एनटीपीसी हो गया, अभी एनटीपीसी की बात कर रहा, आरपीएफ बोल रहा हूँ, बिहार एसएससी, वो जितने भी फॉर्म है ना ये सारा सिलेबस सबका सेम है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें सब चीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये तीनों इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा ईजी रहेगा, लेकिन बात आता है CVT 2, दोनों ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम रहेगा, ध्यान रखना है दोनों ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम रहेगा। यहाँ CVT 2 का सिलेबस देख लो, इसमें भी मैथ 35, रीजनिंग 35, जीके जीएस 50, टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है, और आपको वही चीज पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस पूछा जाएगा, इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा, मैं इस सब चीज का तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।